कर्नाटक के मैसूर में मेडिकल की छात्रा के साथ हुए कथित गैंग रेप मामले ने राज्य में खलबली मचा दी है। मैसूर गैंग रेप के सभी 5 आरोपी आखिरकार पकड़ लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमला कर रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने कहा है कि सरकार को इस घटना के बाद अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इस घटना को लेकर मैसूर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी मैसूर के रहने वाले हैं। वहीं इनके गिरोह में और लोगों का पता लगाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आरोपियों में से कुछ उसी कॉलेज के हैं जहां लड़की पढ़ रही है। हालांकि अब भी लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं है। फिलहाल लड़की के माता पिता उसे गृह नगर ले जाने की योजना बना रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कोयम्बतूर से 5 लोगों को लाया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने कुकराली झील क्षेत्र में शाम 6:30 बजे के बाद किसी को भी जाने नहीं देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि मेडिकल की छात्रा अपने दोस्त के साथ मंगलवार शाम को चामुंडी पहाड़ियों की ओर जा रही थी, तभी कम से कम 4 लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और मारपीट करने के बाद छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर एक वीडियो भी बनाया और 3 लाख रुपए न देने पर इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी। जब लड़की और उसके दोस्त ने रकम देने से असमर्थता जताई तो उसके बाद वहां मारपीट शुरू कर दी गई। बाद में लड़की को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने घटना के बारे में जानकारी दी।